हेलो एवरीवन, दिस इज टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडे वी विल डिस्कस मेनली फोर इश्यूज। द फर्स्ट इशू इज व्हाई इज लेटरल एंट्री पॉलिसी अंडर स्क्रूटनी। द सेकंड इशू इज व्हाई इज सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नीडेड। द थर्ड इशू इज निकोबार प्रोजेक्ट विल नॉट डिस्टर्ब और डिस्प्लेस नेबरिंग ट्राइब्स से इन्वायरमेंट मिनिस्टर। एंड द फोर्थ इशू इज रिलेटेड टू जीका वायरस। लेट्स डिस्कस ऑल द इशूज। वाई लेटरल एंट्री पॉलिसी अंडर स्क्रूटनी। वाई न्यूज, ऑन अगस्त 17 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एडवर्टाइज लेटरल रिक्रूटमेंट फॉर 45 पोस्ट एट द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। अगस्त 17 को UPSC के द्वारा एक लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइज रिलीज किया जाता है। 45 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट के लिए, लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर ये एडवर्टाइज नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। और ये वेरियस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी। द मूव लेड टू एन आउटरेज एज कोटा बेनिफिट्स आर नॉट अप्लाइड फॉर सच सिंगल पोस्ट रिक्रूटमेंट। UPSC का जो ये मूव था, इसलिए इसका अपोज किया जा रहा है क्योंकि इन रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन का जो पॉलिसी होता है वो अप्लाई नहीं हो रहा था। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी टर्म्ड द रिक्रूटमेंट एन एंटी नेशनल स्टेप एज इट वॉज ओपनली स्नैचिंग अवे द रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC इन गवर्नमेंट जॉब। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस मूव को एंटी नेशनल स्टेप कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं SC ST और OBC के रिजर्वेशन को कहीं ना कहीं स्नैचिंग किया जा रहा है। फॉलोइंग द बैकलैश ऑन अगस्त 20 यूनियन पर्सनल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रॉ टू द UPSC चेयरमैन टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट। इस बैकलैश के बाद 3 दिन बाद यानी अगस्त 20 को मिनिस्ट्री यूनियन पर्सनल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने UPSC के चेयरमैन को एक लेटर लिखा और इसमें एडवर्टाइजमेंट जो इसने रिलीज किया था उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट किया। आवर्स लेटर द UPSC कैंसल्ड द एडवर्टाइजमेंट। कुछ आवर के बाद UPSC ने इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर दिया। व्हाट इज द रीजन फॉर लेटरल हायर्स। लेटरल हायर क्यों किए जाते हैं? एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग लेटरल रिक्रूटमेंट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग द फ्रेश टैलेंट एज वेल एज ऑगमेंटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट मिडिल मैनेजमेंट लेवल फॉर स्पेसिफिक असाइनमेंट कीपिंग इन व्यू दियर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन दियर डोमेन एरिया। लेटरल रिक्रूटमेंट ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है ब्रिंगिंग इन फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट को ये डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के अंदर लेकर लाना चाहते हैं। सेकेंड जो इसका पर्पज है वो स्पेशलाइज नॉलेज वाले कैंडिडेट को सेक्रेटरी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर रिक्रूट करना है। वॉज दिस द फर्स्ट टाइम सच अ रिक्रूटमेंट वॉज बींग डन। क्या ये पहली बार है कि इस तरह के रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू? नो, सिंस 2019 एज मैनी 63 पोस्ट हैव बीन फिल्ड थ्रू द लेटरल रूट। 2019 से लेकर अब तक अबाउट 63 पोस्ट पर लेटरल रूट के थ्रू पोस्ट फिलअप की जा चुकी है। एटलीस्ट 7 ऑफिशियल्स क्विट दियर जॉब मिडवे। इनमें से अबाउट 7 ऑफिशियल्स ने मिडवे में अपने जॉब को क्विट कर दिया। द पोजिशन आर ओपन टू कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टेचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो लेटरल वैकेंसी UPSC के थ्रू जो पोस्ट यहाँ पर रिलीज की जाती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट इस पोजिशन पर आ सकता है। द टेन्योर कैन रेंज फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर। टेन्योर की अगर बात की जाए तो 3 ईयर से 5 ईयर तक का यहाँ पर जॉब वर्किंग है।
इन 2021 द थ्री पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, 27 पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड 13 पोस्ट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी द कमीशन रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 291 एप्लीकेशन, 1247 एप्लीकेशन एंड 489 एप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली। 2021 में भी लेटरल एंट्री के लिए कुछ वैकेंसी, लेटरल एंट्री के थ्रू कुछ पोस्ट को फिल किया गया था, जिसमें थ्री पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर रिलीज की हुई थी, 27 पोस्ट डायरेक्टर के लिए और 13 पोस्ट डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ पर रिलीज की गई थी। व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है लेटरल एंट्री का, इसका जेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है। इन 2017 द नीति आयोग इन अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया थ्री ईयर एक्शन एजेंडा 2017-18 टू 2019-20 रिगार्डिंग सिविल सर्विस रिफॉर्म सजेस्टेड लेटरल एंट्री इंडक्शंस। 2017 में नीति आयोग ने इसको रिकमेंड किया था और इस लेटरल एंट्री का जो सजेशन था इंडिया थ्री ईयर एक्शन एजेंडा 17-20 तक का, यहाँ पर यह थ्री ईयर का एजेंडा रखा गया है। इसके अंदर यह प्रोविजन किया गया था कि लेटरल एंट्री के थ्रू कुछ सिविल सर्विसेज जो पोस्ट है उनको फिल किया जाएगा। अंडर द कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट इन 2005 द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड लेटरल एंट्री इन टू गवर्नमेंट सर्विसेज। कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर भी 2005 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के थ्रू इस कमीशन ने लेटरल एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट सर्विस को फिल करने के लिए रिकमेंड किया था। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि 2017 से ही स्टार्ट किया गया है, हालांकि रिक्रूटमेंट जो किए गए हैं वो 2017 के बाद से ही स्टार्ट किए गए हैं, बट कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के अंडर भी कुछ कमीशंस ने सिविल सर्विसेज की पोस्ट को फिल करने के लिए लेटरल एंट्री को रिकमेंड किया था। लेटरल एंट्री को क्यों इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, लेटरल एंट्री के थ्रू जो ये रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है। टुडे राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इकोनॉमी हैज मेड दैट पॉलिसी मेकिंग इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट स्पेशलिस्ट बी इंडक्टेड इनटू द सिस्टम थ्रू लेटरल एंट्री। क्योंकि प्रेजेंट में इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी रेज हो रही है और पॉलिसी मेकिंग के लिए स्पेशलाइज्ड पर्संस की बहुत ही ज़रूरत है ताकि स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को कंडक्ट कराया जा सके, इसलिए लेटरल एंट्री के थ्रू स्पेशलिस्ट पर्संस को यहाँ पर रिक्रूट किया जा सकता है। सच एंट्री विल ऑल्सो हैव द बेनिफिशियल साइड इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग कॉम्पिटिशन टू द इस्टेब्लिश्ड कैरियर ब्यूरोक्रेसी। इस्टेब्लिश्ड कैरियर ब्यूरोक्रेसी के लिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन को भी जनरेट किया जा सकता है और जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा ब्यूरोक्रेट्स उतना ही बेटर तरीके से वर्क करेंगे। नंबर टू, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मे बी एनकरेज्ड टू गेन एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक एरियाज एंड द करंट सिस्टम ऑफ रैपिड रोटेशन ऑफ ऑफिसर्स मे बी रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ लॉन्गर पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी ये एक एनकरेजमेंट का काम करेगा, क्योंकि जब सिस्टम के अंदर एक्सपर्टाइज पीपल का रिक्रूटमेंट होगा तो इससे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में भी कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट पैदा होगा बेटर वर्क करने के लिए। नंबर थ्री, सच अ सिस्टम विल ब्रिंग टॉप टैलेंट एंड एनर्जी इनटू द गवर्नमेंट एंड विल लैंड न्यू डायनेमिज्म टू द मिनिस्ट्रीज। गवर्नमेंट के लिए ये एक टॉप टैलेंट एंड एनर्जी जनरेट करने का काम करेगा, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम होगा एक बेटर तरीके से वर्क करेगा जो कि एक एक्सपीरियंस पीपल के द्वारा किया जाएगा। इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स, क्या हमारे कंट्री के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स का शॉर्टेज है। इन दिसंबर 2021 द DOPD डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मूव्ड अ प्रोपोजल टू अमेंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 टू डिप्यूट IAS इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर टू द सेंटर विदाउट नेसेसरली टेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स नोट। 2021 में DOPD ने एक मूव प्रपोजल मूव किया था जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 1954 को अमेंड करने से रिलेटेड था। इसके अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बिना IAS, IPS या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को डिप्यूट कर सकती है।
द प्रोपोजल वॉज मोटेड एज द सेंटर वॉज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर। ये प्रोपोजल इसलिए मोटेड किया गया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज फेस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अ 2023-24 पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन द डीओपीटी, ओनली 442 आईएएस ऑफिसर्स वर वर्किंग विद द यूनियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1469। यूनियन गवर्नमेंट के साथ वर्क करने के लिए 1469 आईएएस ऑफिसर्स होने चाहिए, जबकि करंट में यूनियन गवर्नमेंट के साथ ओनली 442 आईएएस ऑफिसर्स वर्किंग हैं। इट मीन्स अबाउट 1000 से ज़्यादा आईएएस का जो सीट है वो वैकेंट पड़ा हुआ है। वर सच अपॉइंटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट? क्या इस तरह के अटेम्प्ट अपॉइंटमेंट करने के जो अटेम्प्ट थे क्या प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा भी पहले किए गए हैं? फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह वॉज इंडक्टेड एज इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1971। 1971 में फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह ने भी इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इंडक्ट किया था। ही सर्व्ड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फ्रॉम 1970 टू 1976। 1972 से 1976 में इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर सर्व किया था। उसके बाद ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बन जाते हैं और उसके भी बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। वाई इज सेंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नीडेड? किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले सेंक्शन लेना होता है। बट ये क्यों लेना होता है? व्हाट इज इशू? द इशू ऑफ ग्रांटिंग सेंक्शन टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट हैज वंस अगेन कम टू द फोर फॉलोइंग कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत अप्रूवल टू ओपन एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया एंड टू प्रोसिक्यूट हिम इन कनेक्शन विद एलिज इरेगुलरिटीज इन अलॉटमेंट ऑफ कंपेंसेटरी प्लॉट टू हिज वाइफ हुज लैंड हैड बीन लॉस्ट टू द एक्विजिशन प्रोसेस बाय द मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूशन के लिए सेंक्शन ग्रांट करने से रिलेटेड ये इशू है और ये कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत के द्वारा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ओपन करने के लिए एक अप्रूवल दिया गया है, उससे रिलेटेड ये इशू है क्योंकि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ कंपेंसेटरी प्लॉट से रिलेटेड कुछ रेगुलेटरीज हैं, उन्हें अरेज किया गया है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ प्रोसिक्यूशंस स्टार्ट किए जाने हैं इनके अगेंस्ट। द इशू हैज रेड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। कर्नाटक के सीएम के द्वारा जिस तरह से प्लॉट अलॉटमेंट ऑफ कंपेंसेटरी प्लॉट के अंदर जो इरेगुलरिटीज यहाँ पर शो की गई हैं उसकी वजह से बहुत सारे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज होते हैं। अब ये इशू क्या था इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट हम ये देखेंगे कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस कौन कौन से रेज होते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट स्टार्ट करने के लिए सेंक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेन इशू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वाई सेंक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट? पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सेंक्शन क्यों जरूरी होता है? सेंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ पब्लिक सर्वेंट हैज बीन अ मैंडेटरी फीचर ऑफ एंटी करप्शन लॉ। पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सेंक्शन मैंडेटरी है और ये एंटी करप्शन लॉ का एक फीचर है। इट मीन्स एंटी करप्शन लॉ के अंदर ये मेंशन किया गया है कि एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे पहले सेंक्शन लेना बहुत ही मैंडेटरी है। दिस इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम विजेडियस एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फॉर एक्शंस एंड डिसीजन मेड इन कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग दियर ऑफिशियल ड्यूटीज। सेंक्शन का जो प्रोविजन किया गया है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए ये इसलिए बहुत जरूरी है ताकि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो एक्शन या डिसीजन लिया गया है उसका मैलिशियस तरीके से प्रोसिक्यूशन से उसको बचाया जा सके। विजेडियस एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से उसको बचाने के लिए इट मीन्स विदाउट रीजन चार्जेज से बचाने के लिए पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर सेंक्शन का प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 197 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC
said no court could take cognizance of a case against a public servant unless an authority competent to remove that person grant sanction. CRPC का सेक्शन 197 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी कोर्ट किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक कि उस पब्लिक सर्वेंट को रिमूव करने वाली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जब तक उससे परमिशन ना मिल जाए। सेक्शन 6 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 हैज अ सिमिलर प्रोविजन। हाउ द सेंक्शन रिक्वायरमेंट वॉज लिमिटेड टू द पीरियड व्हेन द पब्लिक सर्वेंट वॉज इन ऑफिस एंड नो सेंक्शन वॉज नेसेसरी इफ द पर्सन नो मोर हेल्ड दैट ऑफिस। सेंक्शन तभी जरूरत होगा जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी पर है, अगर वो ड्यूटी पर नहीं है तो उस केस में उसके द्वारा जो किया गया बैड कंडक्ट है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए किसी टाइप के सेंक्शन की जरूरत नहीं है। अंडर बोथ द CRPC एंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू सेंक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफ दियर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय। CRPC और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दोनों के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए सेंक्शन देंगे, उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है। द प्रोविजन वॉज प्रेजेंटेड प्रिजर्व इन सेक्शन 19 ऑफ द PCA 1998। वॉट आर द लेटेस्ट प्रोविजन ऑन ग्रांटिंग सेंक्शन। सेंक्शन ग्रांट करने के लिए लेटेस्ट प्रोविजन क्या किए गए हैं। सेक्शन 218 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता PNSS द प्रोसीजर कोड दैट हैज रिप्लेस द CRPC रिटेन द सेंक्शन प्रोविजन। सेंक्शन प्रोविजन का जो अभी रिटेनमेंट किया गया है जो पहले था CRPC में, अब इसको BNS के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। BNS के अंदर सेक्शन 218 सेंक्शन प्रोविजन को डील करता है। व्हाट इज द गवर्नर्स रोल इन अ केस अगेंस्ट अ CM। CM के अगेंस्ट गवर्नर का क्या रोल है। इट मीन CM के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए क्या सेंक्शन लेना होगा गवर्नर से। एज द पावर द गवर्नर इज वेस्टेड विद द पावर टू डिसमिस अ CM। द गवर्नर इज सीन एज द अथॉरिटी टू कंसिडर ग्रांटिंग सेंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ CM। क्योंकि गवर्नर को पावर मिली हुई है कि वो CM को डिसमिस कर सकता है और CM को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी गवर्नर का सेंक्शन यहाँ पर मैंडेटरी है। क्वेश्चन हैव ऑफन अराइज टू वेदर द गवर्नर एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन व्हाइल कंसिडरिंग सेंक्शन और ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि CM के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए गवर्नर जो सेंक्शन देगा क्या वो उसका डिस्क्रिशन पावर है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस इस पर लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आया है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, ये गवर्नर के डिस्क्रेशनरी पावर है। निकोबार प्रोजेक्ट विल नॉट डिस्टर्ब और डिस्प्लेस इंडिजिनस ट्राइब से एनवायरनमेंट मिनिस्टर। इस इशू के अंदर हम निकोबार आइलैंड के अंदर जो अभी नीति आयोग ने एक प्लान यहाँ पर डेवलपमेंटल प्लान अपना लॉन्च किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इशू। ओपोजिशन पार्टी डिमांडेड एन इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल क्लियरेंसेस ग्रांटेड टू नीति आयोग मेगा प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। नीति आयोग का मेगा प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड को जो क्लियरेंस दिए गए हैं लास्ट कुछ मंथ में, ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि इन्हें इमिडिएटली सस्पेंशन किया जाए। दे ऑल्सो डिमांडेड अ थोरो इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी कंसर्न। ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसको इम्पार्शियल तरीके से रिव्यू किया जाए और पार्लियामेंट्री कमेटी का कंसर्न के लिए भी इसको भेजा जाए। द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार एंड अ होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप हैव ऑल्सो अपोज द प्रोजेक्ट। निकोबार के अंदर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोजेक्टेड किया गया है उसका बहुत सारा ओपोजिशन के द्वारा अपोज देखने को मिला है। ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार एंड अ होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, इट मीन्स ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार का जो ट्राइबल काउंसिल है उन्होंने इसका अपोज किया है। होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट मैंने एनवायरमेंटलिस्ट ने इसका विरोध किया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने भी इसको अपोज किया है। ट्राइबल राइट ग्रुप ने भी इसका अपोज किया है। वेर इज द ग्रेट निकोबार एंड विच आर द कम्युनिटीज लिविंग देयर। द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार इज द साउथर्न मोस्ट ऑफ इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो दैट कंप्राइज 600 ऑड आइलैंड।
ग्रेट निकोबार इंडिया का साउथर्न मोस्ट टिप है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो के अंदर पड़ता है। अंडमान निकोबार आर्किपेलागो के अंदर 600 और आइलैंड हैं। इट इज हिली एंड कवर्ड विद लश रेन फॉरेस्ट दैट आर सस्टेन्ड बाय अराउंड 3500 mm ऑफ एनुअल रेनफॉल। ग्रेट निकोबार एक हिली एरिया है जहाँ पर लश रेन फॉरेस्ट है, और इस एरिया के अंदर एनुअली रेनफॉल जो होता है वो 3500 mm के आसपास होता है। द रेन फॉरेस्ट एंड बीचेज होस्ट न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज इंक्लूडिंग जायंट लेदरबैक टर्टल, द निकोबार मेगापोड, द ग्रेट निकोबार क्रैब, द निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड द निकोबार ट्री स्टू। ग्रेट निकोबार के अंदर जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं और जो बीचेज एरियाज हैं, यहाँ पर एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे जायंट लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रैब, निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड निकोबार ट्री स्टो। इट हैज एन एरिया ऑफ 910 स्क्वायर किलोमीटर विद मैंग्रोव एंड पांडान फॉरेस्ट अलोंग इट्स कोस्ट। निकोबार ग्रेट निकोबार जो एरिया है वो 910 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर स्प्रेड है। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, साथ में पांडान फॉरेस्ट भी यहाँ पर कोस्टल एरियाज में मिल जाते हैं। द आइलैंड इज होम टू टू ट्राइबल कम्युनिटी, द सोम्पेन एंड निकोबारीज। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो टू टाइप की यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, सोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी एंड निकोबारी ट्राइबल कम्युनिटी। सोम्पेन अराउंड 250 इन द टोटल मोस्टली लिव इन द इंटीरियर फॉरेस्ट एंड आर रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ओवरऑल 250 पीपल हैं। ये लोग इंटीरियर फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं, और साथ में ये इनका लिंक अदर पॉपुलेशन जो आउटर पॉपुलेशन है बाहर की जो दुनिया है उससे इनका लिंक नहीं है। दे आर प्रीडोमिनेंटली हंटर गैदरर्स एंड आर क्लासिफाइड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विद इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। सोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी एक तरीके से हंटर गैदरर कम्युनिटी है, और इन्हें PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर मेंशन किया गया है। द निकोबारीज कम्युनिटी प्रैक्टिसेस फार्मिंग एंड फिशिंग। इट हैज़ टू ग्रुप्स, द ग्रेट निकोबारीज एंड लिटिल निकोबारीज। निकोबारी ट्राइबल कम्युनिटी फार्मिंग एंड फिशिंग के वर्क प्रैक्टिस करते हैं। निकोबारीज कम्युनिटी के अंदर टू ग्रुप हैं, ग्रेट निकोबारीज एंड लिटिल निकोबारीज। टुडे देयर आर अराउंड 450 ग्रेट निकोबारी ऑन द आइलैंड। आइलैंड पर 450 ग्रेट निकोबारीज हैं, जबकि लिटिल निकोबारीज पीपल की अगर बात की जाए तो टोटल 850 के आसपास लिटिल निकोबारीज पीपल हैं। और लिटिल निकोबारी पीपल ज़्यादातर आफ्रा बे ग्रेट निकोबार के अंदर मिल जाएंगे। व्हाट इज द नीति आयोग प्रोजेक्ट? नीति आयोग का यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट है? इन मार्च 2021 नीति आयोग अनवेल्ड 72,000 करोड़ प्लान कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 2021 में नीति आयोग ने एक अपना प्लान अनवेल किया था जिसका कॉस्ट 72,000 रुपीज़ था। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ग्रेट निकोबार आइलैंड का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए ये 72,000 करोड़ का बजट यहाँ पर प्लान किया गया था। इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट एंड अ टाउनशिप। इसके अंदर चार डेवलपमेंटल वर्क इंक्लूड हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ग्रेट निकोबार के अंदर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना चाहती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहती है, एक पावर प्लांट प्रोविजन किया गया है एंड अ टाउनशिप भी यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। द प्रोजेक्ट इज टू इम्प्लीमेंटेड बाय अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ANIIDCO के द्वारा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके बाद हम क्या क्या इसके लॉस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द प्रपोज्ड पोर्ट विल अलाउ ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरिटाइम इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट। ग्रेट निकोबार जैसे ही
कार्गो ट्रांसशिपमेंट के एक मेजर प्लेयर के तौर पर वर्ल्ड में देखा। इसकी वजह से रीजनल एंड ग्लोबल मैरिटाइम इकोनॉमी को ग्रेटर निकोबार से कनेक्ट किया जा सकता है। इट मीन्स ग्रेटर निकोबार कहीं ना कहीं ग्लोबल मैरिटाइम इकोनॉमी के साथ कनेक्ट अगर हो जाता है तो ये इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए और बेटरमेंट के लिए है। द प्रपोज्ड एयरपोर्ट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैरिटाइम सर्विसेज एंड इनेबल ग्रेटर निकोबार आइलैंड टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल विजिटर्स टू एक्सपीरियंस दैट द आउटस्टैंडिंग नेचुरल इन्वायरमेंट एंड पार्टिसिपेट इन सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी। जो दूसरा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है और इससे इनकम जनरेट की जा सकती है। इंटरनेशनल अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रेट निकोबार को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ने डिनोटिफाइड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके लिए गवर्नमेंट ने टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोटिफाई कर दिया है। इन जनवरी 2021 द इंडियन गवर्नमेंट डिनोटिफाइड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेगाबोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मेक वे फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई कर दिया, गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेगाबोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन द सेम मंथ द गवर्नमेंट रिलीज नेशनल मेरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान दैट लिस्ट गैलेथिया बे एज द मेरीटाइम टर्टल हैबिटेट इन इंडिया। 2021 में ही गवर्नमेंट ने नेशनल मेरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान भी अपना रिलीज किया था और यहाँ पर गैलेथिया बे को इसने मेरीटाइम टर्टल हैबिटेट इन इंडिया के तौर पर यहाँ पर लिस्ट किया है। द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड एट द गैलेथिया बे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर द जायंट लेदर बैक टर्टल। गैलेथिया बे इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर लेदर बैक टर्टल अपना नेस्टिंग करते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है लेदर बैक टर्टल के लिए। बोथ लेदर बैक टर्टल एंड निकोबार मेगापोड आर लिस्टेड इन शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल वन के अंदर लेदर बैक टर्टल और निकोबार मेगापोड दोनों ही मेंशन है। द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंदर हाइएस्ट वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर लॉ है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के अंदर शेड्यूल वन में लेदर बैक टर्टल और निकोबार मेगा पोड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें इंक्लूड किया गया है। वाई इज देयर ओपोजिशन? ओपोजिशन इस प्रोजेक्ट का ओपोज क्यों कर रहे हैं? द मेगा प्रोजेक्ट हैज बीन हैवीली क्रिटिसाइज फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड फॉर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ ट्राइबल राइट। इकोलॉजिकल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर डेवलपमेंटल प्लान यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उससे इकोलॉजी को लॉस होगा और ट्राइबल राइट्स के जो ट्राइबल के जो राइट्स हैं उनका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं फियर बैठ चुका है कि अब उनका जो अपना एरिया है उसको एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। नंबर टू, द प्रोजेक्ट रिक्वायर अ डाइवर्जन ऑफ अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड अ फेलिंग ऑफ अराउंड 10 लाख ट्रीज। सबसे बड़ा जो इशू है यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अबाउट 10 लाख ट्रीज को फेलिंग किया जाएगा और 130 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट को पूरा यहाँ पर डाइवर्जन किया जाएगा। नंबर थ्री, एज फॉर द सोम्पेन वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट इज डिसीज। सिंस द सोम्पेन हैव हैड लिटिल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड दे हैव नॉट येट डेवलप्ड इम्यूनिटी टू इन्फेक्टेड डिसीज दैट अफेक्ट इंडियाज जनरल पॉपुलेशन। सोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका आउटर वर्ल्ड के साथ कोई लिंक नहीं है और अगर ये आउटर आउटसाइड वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्टिस डिसीज का शिकार हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम है और इसकी वजह से इंडिया के जनरल पॉपुलेशन के लिए भी डेंजर हो सकता है। नंबर फोर, लोकल पंचायतों कैंपबेल बे रेज कंसर्न ओवर द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द एयरपोर्ट। कैंपबेल बे का जो लोकल पंचायत है उसने भी यहाँ पर एक कंसर्न रेज किया है एयरपोर्ट के लिए जो यहाँ पर लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है इस एरिया के अंदर। कैंपबेल बे के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए यहाँ के लोकल पंचायत ने डिमांड किया है। नंबर फाइव, रिसर्चर्स हु वर्क ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हैव ऑल्सो रेज कंसर्न दैट प्रोपोनेंट ऑफ मेगा प्रोजेक्ट हैव फेल्ड टू एडिक्वेटली असेस अर्थक्वेक रिस्क। कुछ रिसर्चर्स ने भी कहा है जो कि
डिजास्टर मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस एरिया के अंदर अर्थक्वेक को बेटर तरीके से असेस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर असेस नहीं किया गया तो यहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक आ सकते हैं, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। नंबर थ्री, द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज लॉकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, अ सेस्मिकली एक्टिव रीजन दैट एक्सपीरियंस सेवरल अर्थक्वेक थ्रू आउट द ईयर। अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो जो है वो रिंग ऑफ फायर के ऊपर लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर एक सेस्मिकली एक्टिव रीजन होता है जो कि ईयर में बहुत सारे अर्थक्वेक का रीजन बनता है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट द रीजन हैज एक्सपीरियंस्ड क्लोज टू 500 क्वेक ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो के आसपास अबाउट 500 अर्थक्वेक यहाँ पर एक्सपीरियंस किए गए हैं। द एरिया इज इन कैटेगरी 5, द जियोग्राफिकल जोन विद द मोस्ट सेस्मिक हजार्ड। अर्थक्वेक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कैटेगरी 5 में आता है, जो कि मोस्ट हजार्डस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू जीका वायरस। यहाँ पर न्यूज़ के अंदर थोड़ा ये जो इशू है वो यूपीएससी के लेवल से नहीं है, और हमने मेनली इसमें जीका वायरस से रिलेटेड कुछ स्पेशल नॉलेज ऐड करने की कोशिश की है। इंक्रीजिंग केसेस ऑफ जीका वायरस इन्फेक्शन रेज कंसर्न अबाउट इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर डायग्नोसिंग इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज, क्योंकि जीका वायरस के केस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लिए एक प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज से रिलेटेड कंसर्न यहाँ पर रेज हो रहे हैं। केसेस हैव बीन आइडेंटिफाई फ्रॉम मल्टीपल स्टेट इन इंडिया इन द पास्ट विद लार्जर आउटब्रेक अक्यूरिंग इन केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पर जीका वायरस के जो केसेस हैं वो मल्टीपल हो रहे हैं और एक लार्जर आउटब्रेक के फॉर्म में ये रेज हो रहे हैं। व्हाट इज जीका वायरस? जीका वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस स्प्रेड बाय एंडीज मॉस्किटोज, पर्टिकुलरली एंडीज इजिप्टी। जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न इन फ्लेवी वायरस है जो कि एंडीज मॉस्किटो, पर्टिकुलरली एंडीज इजिप्टी के द्वारा ही स्प्रेड होता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1947 इन द जीका फॉरेस्ट इन युगांडा फ्रॉम इन्फेक्टेड मंकी, द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वर रिकॉर्डेड इन 1952 इन युगांडा एंड तंजानिया। जीका वायरस पहली बार डिस्कवर किया गया था युगांडा के फॉरेस्ट, जीका फॉरेस्ट के अंदर। जीका युगांडा का एक जीका फॉरेस्ट है, यहाँ पर इन्फेक्टेड मंकी के अंदर 1947 में जीका वायरस फाइंड आउट किया गया था। फाइंड आउट करने के बाद 5 ईयर बाद पहला ह्यूमन केस युगांडा और तंजानिया के अंदर मिला था। इट्स आउटब्रेक हैव अकर्ड अक्रॉस अफ्रीका एंड अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक सिंस 2007। 2007 के बाद अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, पैसिफिक रीजन में इसके कई आउटब्रेक देखने को मिल चुके हैं। जीका वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फादर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। जीका वायरस मल्टीपल तरीके से स्प्रेड हो सकता है, मदर से फॉयटस के अंदर ये स्प्रेड हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी या ब्लड के थ्रू भी ये 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो सकता है। द जीका वायरस हैज एन आरएनए जीनोम एंड दस अ वेरी हाई पोटेंशियल टू म्यूटेशंस। जीका वायरस के अंदर आरएनए जीनोम होता है, यही रीजन है कि इसके अंदर म्यूटेशन कैपेबिलिटी होती है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, जॉइंट पेन, मसल पेन एंड हेडेक लास्टिंग 2 to 7 days। कॉमन सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो 2 से 7 days तक फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, मसल हो सकते हैं, मसल पेन, हेडेक हो सकता है। एक्सपोजर टू वन कैन इम्पैक्ट द अदर, अपोजिंग चैलेंज इन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। 1 पर्सन अनदर पर्सन को इम्पैक्ट कर सकता है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल, सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड मेडिकल केयर एडवाइज फॉर वर्सनिंग कंडीशन। वर्सनिंग कंडीशन अगर हो जाता है तो उस टाइम पर ट्रीटमेंट अवेलेबल इसका है नहीं, उस केस में सिम्टोमेटिक रिलीफ और मेडिकल केयर एडवाइज किया जाता है। नो वैक्सीन अवेलेबल एट प्रिवेंशन, फोकस्ड ऑन मॉस्किटो बाइट प्रोटेक्शन, एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग साइट्स एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन। कोई भी अभी जीका वायरस का वैक्सीनेशन नहीं है, इसको ट्रीट करने के लिए मॉस्किटो बाइट प्रोटेक्शन
ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट करने की सलाह दी जाती है। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन पर फोकस किया जाता है। जीका वायरस इज एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन सच एज गुलेन बैरी सिंड्रोम, न्यूरोपैथी एंड माइलिटिस इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन। जीका वायरस की वजह से अडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे गुलेन बैरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी एंड माइलिटिस। अब हम ये डिस्कस करेंगे आगे कि ये तीन जो टर्म है क्या होते हैं। व्हाट इज माइक्रो माइक्रोसिफेल एंड गुलेन बैरे सिंड्रोम। गुलेन बैरे सिंड्रोम इज अ सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गुलेन बैरे सिंड्रोम एक सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। द सिंड्रोम अफेक्ट द नर्वस रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, पेन, टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन। हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे मसल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्परेचर को फील करने के लिए, टच को फील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको ये पूरी तरह अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज कॉन्जेनिटल मेल फॉर्मेशन सच एज माइक्रोसिफेल फैली एंड अदर एसोसिएटेड कंडीशंस। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर इन्फेक्शन हो जाता है जीका वायरस का तो उसके अंदर माइक्रोसिफेली प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जो बच्चा पैदा होने वाला है। माइक्रोसिफेली इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच बेबीज आर बॉर्न विद अ स्मॉलर देन यूजुअल हेड एंड अंडर डेवलप्ड ब्रेन। माइक्रोसिफेली एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें बेबीज जो बॉर्न होता है उसका जो हेड होता है वो यूजुअल से काफ़ी स्मॉलर होता है और एक तरीके से अंडर डेवलप्ड ब्रेन उसके अंदर होता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट जीका वायरस डिसीज। जीका वायरस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव ले गए हैं। नंबर वन, नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीका वायरस डिसीज। जीका वायरस डिसीज के रिगार्डिंग नेशनल गाइडलाइन कुछ रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अंडर किया गया है। नंबर टू, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। इट एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव केयर टू ऑल चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके कम्प्रीहेंसिव केयर के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स तक के सभी बच्चों का यहाँ पर स्क्रीनिंग करता है इस प्रोग्राम के अंदर। इसमें 4 D को फोकस किया जाता है, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसीज, डिसीजेज, डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। 4 यहाँ पर चीज़ों पर फोकस किया जाता है। अदर वायरल डिसीजेज, और भी कई सारे वायरल डिसीजेज हैं, COVID-19, निपाह, येलो फीवर, जापानीज एंसेफेलाइटिस, मीजलेज एंड रूबेला, HIV, चिकन पॉक्स, पोलियो, डेंगू, इबोला, हेपेटाइटिस, मारबर्ग वायरस, इन्फ्लुएंजा, एमपॉक्स, वेस्ट नील वायरस। अबाउट निपाह वायरस, यहाँ पर हम साथ में निपाह वायरस के बारे में भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। निपाह वायरस इज अ जूनोटिक वायरस बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। निपाह वायरस जूनोटिक डिसीज है, वायरस है, क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। कोई भी ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है उसको जूनोटिक वायरस बोला जाता है। इट फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर इन 1998 एंड 1999। 1998 और 1999 में सिंगापुर और मलेशिया के अंदर पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था। डिसीज इज नेम्ड आफ्टर अ विलेज इन मलेशिया, सुंगाई निपाह, वेयर इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड। निपाह वायरस पहली बार मलेशिया के सुंगाई निपाह विलेज के अंदर फाइंड आउट किया गया था। इसी विलेज के नाम पर इस वायरस का नाम निपाह वायरस रख दिया गया। इट फर्स्ट अपियर्ड इन डोमेस्टिक पिग्स एंड हैज बीन फाउंड अमंग सेवरल स्पीसीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इंक्लूडिंग डॉग, कैट, गोट, हॉर्स एंड सी। पहली बार ये एक डोमेस्टिक पिग के अंदर अपियर किया गया था वायरस। उसके बाद इसकी सेवरल स्पीसीज डॉग के अंदर, कैट के अंदर, गोट, हॉर्स और सीप के अंदर भी फाइंड आउट की गई। दिस डिसीज स्प्रेड थ्रू फ्रूट बैट और फ्लाइंग बैट, फ्लाइंग फॉक्सेस और फ्रूट बैट के अंदर भी ये वायरस मिल सकता है। द वायरस इज प्रेजेंट इन बैड यूरिन, बैड फेसिट्स, सलाइवा एंड बर्थिंग फ्लूड। ये जो वायरस होता है ये बैड के यूरिन के अंदर भी हो सकता है, फेसिस के अंदर भी हो सकता है, सलाइवा के अंदर हो सकता है, बर्थिंग फ्लूड्स के अंदर भी हो सकता है। द ह्यूमन इन्फेक्शन में एज एन एंसिफेलिसिस सिंड्रोम मार्ड बाई फीवर, हेड एक, ड्राउनेज, डिसऑरेंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा एंड पोटेंशियली डेथ। ह्यूमन इन्फेक्शन अगर निपाह वायरस किसी पर्सन को हो जाता है तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं।
एंसिफेलेटिक सिंड्रोम हो सकता है, फीवर, हेडेक, डोनिनेज, डिसोरेंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा, पोटेंशियली डेथ भी हो सकता है। करंटली देर आर नो वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इंटेंसिव सपोर्ट केयर इज गिवन टू ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय द निपाह वायरस। करंटली निपाह वायरस से रिलेटेड कोई वैक्सीन नहीं है ह्यूमन और एनिमल एनिमल के अंदर लिए, और इंटेंसिव सपोर्ट केयर की सलाह दी जाती है अगर किसी पर्सन को निपाह वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।